डॉक्टर मान सिंह सह आचार्य भूगोल राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। आज का विषय है कृषि प्रदेश की अवधारणा। कृषि प्रदेशों के बारे में जितना विरोधाभास व जितनी धारणाएं मिलती हैं उतनी भूगोल की किसी अन्य शाखा में नहीं मिलती हैं, क्योंकि समय के साथ कृषि प्रदेशों में बढ़ती जटिलताओं ने विचारधाराओं को भी जटिल बनाया है। यही कारण है कि संसार के भूगोलवेत्ता आज भी इनके बारे में एकमत नहीं हो पाए हैं, क्योंकि कृषि प्रदेशों की सीमाओं का अंकन करना अपने आप में एक समस्या रही है। कुछ भूगोलवेत्ताओं ने समय समय पर इनके निर्धारण के प्रयास कुछ निश्चित मानदंडों को मानकर किए, लेकिन बाद में वे भी अपूर्ण माने गए। किसी एक या दो प्रतिमानों को लेकर कृषि प्रकारों का सही पता लगाना ही अपूर्ण पद्धति है, इसलिए कुछ प्रतिमानों को निश्चित करना फिर उनके आधार पर क्षेत्रीय कृषि प्रकारों का पता लगाकर प्रदेशों में बांटा जाना कठिन कार्य है। इनके द्वारा निर्धारित सीमाएं कुछ समय बाद बदल जाती हैं, इसलिए प्रदेशों की परिभाषा भी समय के संदर्भ में बदलती रहती है। कृषि प्रदेशों की सीमाओं का निर्धारण प्राकृतिक दशाओं, स्थलाकृतियों व मानवीय दशाओं के आधार पर किया गया एवं कृषि कार्यों के आधार पर भी प्रकारों को बताने के प्रयास हुए, लेकिन प्रादेशिक प्रक्रियाओं में इनके संबंधों की सीमाएं हमेशा बदलती रही हैं। इनके आधार पर विभिन्न विज्ञानों में प्रदेशों की परिभाषाएं बदलती रही हैं। सन 1960 में गिलबर्ट महोदय ने प्रदेश की व्याख्या करते हुए लिखा है कि प्रदेश की व्याख्या करना उतना ही मुश्किल है जितना किसी व्यक्ति विशेष के चरित्र की। प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन को जो हमारे विषय का मुख्य बिंदु है, अनेक भूगोल शोधकर्ताओं ने स्वीकारा है कि धरातल पर विभिन्न रूप प्रदेश तथा तत्व हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ऐसे तत्वों व रूप भेदों की इनकी अर्जित विशेषताओं व गुणों के साथ सामूहिक रूप से व समानताओं के साथ जोड़ लें तो इस प्रकार समरूप भेदों वाले क्षेत्रों को आसानी से विपरीत गुण वाले क्षेत्रों से अलग किया जा सकता है तथा उन्हें प्रदेश के रूप में समझा जा सकता है। इस आधार पर कृषि रूप भेदों की समानताओं के साथ एक प्रकार का जो निश्चित प्रणाली द्वारा समायोजित है निर्माण होगा। इन प्रकारों को जिनमें समरूपता पाई जाती है मिला देने पर प्रदेशों का निर्माण स्वतः हो जाता है, लेकिन ऐसे तथ्य सदा स्थायी नहीं रहते हैं। कुछ क्षेत्रों में इनके स्थायीपन को देखा जा सकता है, क्योंकि इनके बीच कार्य रूपेण संबंधों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है जिन्हें लिंक कहा जाता है। इस प्रकार इस जटिल समस्या के समाधान हेतु अनेक भूगोलवेत्ताओं ने प्रयास किए हैं। इन विचारधाराओं का अध्ययन प्रारंभ में हार्टसोन ता हेटनर द्वारा विशेष रूप से किया गया है। यह दोनों ही भूगोलवेत्ता भूगोल में इस प्रकार के अध्ययन को व्यवस्थित व वैज्ञानिक रूप देने वाले भूगोलवेत्ताओं में माने जाते हैं, लेकिन समय समय पर होने वाले परिवर्तन व इस यथार्थ की नई बदलती परिभाषाओं के परिवेश ने इन्हें भी अपनी आलोचनाओं से वंचित नहीं रहने दिया है तथा विभिन्न क्षेत्रीय विभिन्नताओं के अनुरूप अनेक परिभाषाएं दी जाने लगी हैं। इस संदर्भ में अमेरिकन भूगोलवेत्ता एसोसिएशन AAG की 15वीं वर्षगांठ पर गार्नियर द्वारा विटलसी की दी गई परिभाषा का उल्लेख कई अर्थों में महत्वपूर्ण
माना जाने लगा। इस प्रकार ओडम तथा मूर ने प्रदेश की विचारधारा को एक स्पॉन्टेनियस अनरेस्ट्रिक्टेड एरिया आइडेंटिफाइनाइट के रूप में माना है। इस प्रकार प्रदेश एक स्वतः असीमित तथा अनिश्चित गुणों वाला क्षेत्र है। जब इनके व्यवस्थित गुणों की बात करते हैं तो यह एक सौजातीय प्रदेश या सामान्य तथा व्यापक क्षेत्र के रूप में कहा जा सकता है, जिसमें प्रकारों का विश्लेषण प्रदेशों को एक दूसरे से भिन्न समझने में सहायक होगा। इस आधार पर कृषि प्रकार की विचारधारा महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि विशेषकर कृषि प्रकार के में कृषि के विभिन्न रूप भेदों को लेकर विभिन्न तथ्यों के गुणों पर आधारित समरूप प्रकारों का निर्धारण किया जाता है और इनके आधार पर कृषि प्रदेशों की सीमाएं सहजता से आंकी जा सकती हैं। इस प्रकार यह कृषि प्रदेश सहजातीय गुणों के आधार पर सीमाबद्ध हैं। इस प्रकार उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है, प्रादेशीकरण एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न रूप भेदों में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार इनके गुण सजातीय से विजातीय में बदल जाते हैं। इन क्षेत्रीय समानताओं के आधार पर प्रदेशों का निर्माण होता रहता है। कुछ नए प्रदेश बन जाते हैं तो कुछ पुराने समाप्त हो जाते हैं। यह परिवर्तन प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि तथ्यों के प्रभावों से होता है। इस प्रकार प्रादेशीकरण एक परिवर्तन की प्रक्रिया है जो समय के साथ होती रहती है। यही कारण है कि मानव समाज के विकास की प्रक्रिया प्रादेशीकरण में विभिन्न महत्व विशेष महत्व रखती है। आर्थिक विकास के साथ यह प्रक्रिया अधिक तीव्र होती है। इस प्रकार बुचानन महोदय ने 1959 में कृषि प्रदेशों की परिभाषा देते हुए इनसे संबंधित कुछ प्रक्रियाओं को बताया है, जिनके आधार पर प्रदेशों की सीमाओं का अंकन किया जा सकता है। माई फर्स्ट प्रोपोजिशन इज दैट डेफिनेशन मस्ट बी इन एग्रीकल्चरल टर्म्स। ए क्रॉप एसोसिएशन, ए क्रॉप एंड लाइव स्टॉक एसोसिएशन, ए सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्म प्रोसेसेस विल सर्व ए कन्वीनियंट एग्जाम्पल। The actual fixing of boundaries that the criteria must be capable of being plotted on map। बुचानन द्वारा प्रदेश की परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि प्रादेशीकरण वर्गीकरण की प्रक्रिया है, जिसे सिमोन्स महोदय ने 1968 में ठीक ही कहा है। रीजनलाइजेशन इज असेंशली ए प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। इस प्रकार उपरोक्त कृषि प्रदेशों की व्याख्याओं के आधार पर विभिन्न तथ्यों को प्रदेशों के निर्माण में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। कुछ भूगोलवेताओं ने कृषि प्रदेशों को सीमांकन करने का प्रयास विभिन्न वर्गीकरणों के आधार पर किया है। इनमें कुछ कृषि की प्रक्रियाओं में विभिन्न प्रणालियों व प्रकारों के द्वारा प्रभावित कृषि के स्वरूपों व व्यवहार की दिशाओं के माध्यम से वर्गीकृत कर प्रदेशों का निर्धारण किया है।